वेलकम टू आइकॉन स्टडी। आइकॉन स्टडी में आपका स्वागत है। 4 फरवरी 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया था? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ है। हाल ही में कोरोना मौत होने वाला पहला कोरोना मुक्त गलत लिखा गया यहाँ पे कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? कोरोना मुक्त होने वाला अंडमान निकोबार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही विश्व बैंक ने किस देश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की? तो बांग्लादेश को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डस्टिन डायमंड का निधन हुआ, वे कौन थे? तो एक अमेरिकी अभिनेता थे। हाल ही में भारत का अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया? तो चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? विशेष स्थान सबसे फर्स्ट में नॉर्वे है, भारत अपना देश भारत 53वें नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ड क्लाउड आधारित डाटा सर्विस को लॉन्च करने के लिए किसके साथ मंजूरी की है? तो गूगल के साथ मंजूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलर्ट बिंग आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो AR रहमान से सम्मानित किया। अलर्ट बिंग एक NGO संस्था है। हाल ही में संगीता बहादुर केश देश में भारत की राजदूत नियुक्त किया गया, तब माल्टा में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का शुभारंभ किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वर्षों में पहली बार BCCI ने रणजी ट्रॉफी आयोजन को रद्द कर दिया? तो 87 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ, इससे पहले कभी भी रणजी ट्रॉफी रद्द नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तब BCE ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। हाल ही में पॉल फ्रूटजन का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक रशियन वैज्ञानिक थे, उन्हें 1995 में नोबेल पुरस्कार मिला था और जोन परत के क्षेत्र के बारे में डिस्कस करने के लिए। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया? तो भारत और जापान दोनों कोलंबो टर्मिनल से बाहर हो गया है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्विक रिवीजन।